यूपी के मथुरा में एक लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बेटी का आरोप है कि पिता उसे पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। तमन्ना ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी है। वजह है शिक्षा। तमन्ना को पढ़ना है लेकिन उसके पिता दिलशाद उसे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए 7 साल की तमन्ना अपनी माँ के साथ थाने में अपने पिता की शिकायत करने पहुँची। आपसे भी कहते हैं काम पे जाओ। तमन्ना का बड़ा भाई स्कूल में पढ़ता है। पिता ने बेटे की फीस तो जमा कराई लेकिन बेटी की फीस नहीं दी। पुलिस ने पिता से बेटी को पढ़ाने के आदेश दिए हैं। पिता उसको डांट-डपट करते थे। मैंने महिला से भी कहा है, हमने कहा भी समाज को इकट्ठा करें, बाकी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं क्या उपाय कर सकते हैं। तो पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है, बच्चों का भविष्य पढ़ाई नहीं। तमन्ना पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहती है लेकिन उसके पिता बचपन में ही उसके सपने को तोड़ देना चाहते हैं। हमारे बच्चों को मारा पीटी करते हैं और जो हम मेहनत करते हैं, तौलिया बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, वो हमारे सारे पैसे छीन लेते हैं। हमें खाने को देते हैं, ना पीने को देते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं और बड़े वाले, उनके भी काम वालों से पैसे मंगा लेते हैं तो बच्चों को मार पीट करते हैं।